नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हम करंट कैरिंग कंडक्टर एक पूरे कंडक्टर के कारण उससे कुछ डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्स वाई एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। ओके, और करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है और इसका एक छोटा एलिमेंट लिया है जिसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, दैट इज ए बी। उसकी लेंथ कितनी है? बी एल। और उससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। ओके, और जहां पर हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये जो करंट एलिमेंट है ये पॉइंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट ओ है, ओ से पी का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल। और यहाँ पर ये जो एंगल ओ पी सी है ये है फाई। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस ओ सी है, ओके, दैट इज स्मॉल, दिस इज गिवन। ओके, अब बायो सेवर्ट लॉ। ओके, विल अप्लाई बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ के अनुसार जो किसी भी करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसकी इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? डीटी इक्वल्स टू म्यू 0.4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट लॉ से है। ओके, अब ये जो ट्रायंगल पीओसी है, ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, व्हिच मींस ये जो एंगल पीओसी है दैट इज 90 डिग्री। तो ये जो दोनों बचे हुए एंगल है उनका सम भी क्या होगा? 90 हो जाएगा। ओके, सो दिस एंगल थीटा प्लस दिस पाई, थीटा प्लस पाई विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो वी गेट थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 5। ओके, सो साइन थीटा जो होगा यहाँ पर, जो साइन थीटा है इसको हम रिप्लेस करेंगे, तो जो साइन थीटा है इट विल बिकम साइन इन प्लेस ऑफ थीटा, हम क्या रख सकते हैं? 90 माइनस 5। सो साइन 90 माइनस 5, एंड यू नो दैट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू कॉस 5। ये वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में साइन थीटा की जगह रखेंगे। ओके, सो क्या मिल रहा है? dt equals to mu 0.4 pi idl cos pi upon r square। ये हमको मिला। अब इसमें हम जो dl की वैल्यू और r की वैल्यू निकालेंगे। तो यू कैन सी r कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ये ट्रायंगल poc। ओके, ये वाला जो एंगल है opc ये है phi। सो cos phi equals to a upon r। ओके, यू नो a cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर बेस a और हाइपोटेन्यूस r है। सो cos phi की वैल्यू मिल गई a अपॉन r। तो r cos phi equals to a, या r equals to a upon cos phi, और r equals to a sec phi, तो अपॉन cos phi sec phi हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमको मिल गई, क्या मिल गई? r equals to a sec phi। ओके, सो ये r की वैल्यू मिल गई। अब हम जो डी है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो यही ट्रायंगल जो पीओसी है इसमें टेन फाइव, टेन फाइव होता है टेन थीटा। क्या होता है? सबसे पहले टेन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन फाइव हो जाएगा परपेंडिकुलर एल अपॉन बेस ए। ओके, यहाँ पर ये जो ओसी है दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज उसकी वैल्यू कितनी है? एल। और जो बेस ओपी है उसकी वैल्यू कितनी है? ए। क्रॉस हो जाएगा ए टेन फाइव इक्वल्स टू एल। नाउ विल डिफरेंशिएट। ओके, ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट ए, एंड टेन फाइव का डिफरेंशियल क्या होता है? सेक स्क्वायर फाइव एंड फाइव का विद रिस्पेक्ट डी फाइव, और इधर एल का क्या हो जाएगा? डी एल। ये जो वैल्यू आई है आर और डी एल, ये वैल्यू हम कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे? हम इक्वेशन नंबर जो हमारे इक्वेशन नंबर टू जो है, इस इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर dl की वैल्यू है
ओके डीएल की वैल्यू कितनी है, ये ए सेक स्क्वायर फाइ डी फाइ, और जो आर की वैल्यू है ये सेक फाइ। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, हमको ये मिलता है ओके ए आई ये वैल्यू है डी फाइ की, ये कॉस फाइ तो ऑलरेडी था यहाँ पर, और फोर फाइ इंटू यहाँ पर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे इसका स्क्वायर करेंगे ओके ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइ, सेक स्क्वायर फाइ और सेक स्क्वायर फाइ कैंसिल हो जाएंगे ओके ए से, यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर और ए एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा डी पी इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए कॉस फाइ डी फाइ ओके। सो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये जो फॉर्मूला आया ये वैल्यू आई है ये सिर्फ एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण आई है ओके। दिस इज द मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल। अब अगर हमको पूरे कंडक्टर यू नो कि ये जो हमारा एक्स वाई एक कंडक्टर है ओके तो अगर ये पूरे कंडक्टर के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, यू नो कि कंडक्टर को हम छोटे छोटे बहुत सारे करंट एलिमेंट में डिवाइड कर सकते ओके। अब ये जो x पॉइंट को p से जॉइन करा और y पॉइंट को p से जॉइन करा, तो ये जो x po है ये phi 1 एंगल है और y po है ये क्या है phi 2 है। अब अगर हमको पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट बी पी पर निकालना है तो बी, तो उसके लिए हमको उसका डेफिनेट इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे की तरफ ओपी लाइन के नीचे की तरफ एंगल है तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट माइनस फाइव वन और ये हो जाएगा अपर लिमिट फाइव टू, और ये जो डी बी है ये म्यू जीरो अपॉन फोर बाय आई अपॉन ए कॉस फाइव डी ओके। सो ये यहाँ पर जो निकाला है उसी पर एक छोटे एलिमेंट डी बी के स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी थी डी बी, अभी पूरे कंडक्टर के कारण करना तो हमने क्या कर दिया उसको कंडक्टर को स्मॉल बहुत सारे छोटे करंट एलिमेंट में डिवाइड करा और फिर उन सबका क्या कर लिया इंटीग्रेशन कर लिया उसको ऐड कर लिया, तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल ओके। सो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे b इक्वल्स टू म्यू जीरो फोर पाई आई अपॉन ए, जो कॉस पाई है दिख रहा है डी फाई है तो इंटीग्रेशन विल बी विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो कॉस फाई का हो जाएगा साइन ओके, ये साइन फाई हो जाएगा और यहाँ पर इसकी लिमिट्स हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो ये लिमिट्स हो गया, सो b इक्वल्स टू म्यू जीरो फोर पाई आई अपॉन ए, एक बार अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन फाइव टू माइनस, एक बार लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे माइनस फाइव, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, तो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई हो जाएगा आई अपॉन ए साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव ओके। तो ये किसी भी कंडक्टर के कारण जो उससे आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब अगर कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है विच मीन्स तो ये जो एंगल है phi 2 and phi 1 will be equals to length, अगर infinitely infinite length का कंडक्टर है in that case phi 1 और phi 2 की जो वैल्यू हो जाएगी that is length, अगर कंडक्टर infinite length का है okay कंडक्टर की length infinite है तो जो phi 1 है और phi 2 है उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो अगर infinitely लेंथ का कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के जो फॉर्मूला है हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इनटू आई अपॉन ए, ये जाएगा साइन
90 प्लस साइन 90, ओके। एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो ये हो जाएगा म्यू 0 4 पाई आई अपॉन ए 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 2, सो म्यू 0 4 पाई आई अपॉन ए इनटू 2, ओके। If you want, you can cancel. So cancel भी कर सकते हैं. It cancel हो गया. So B equals to mu zero I upon E. ये किसी भी infinite length का जो conductor है ना, infinite length का जो conductor है, उसके कारण जो magnetic field produce हो रहा है, उसकी intensity हम के लिए जो formula है. और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यू नो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी होगी, सो ये जो डी की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। सो एक क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके लिए ये डेरिवेशन था, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है दैट विल बी इक्वल टू टेस्ला, ओके। थैंक यू।